पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रहे थे। इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के थाना सदर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप इन पर यह कि 2 साल पहले इन्होंने भी जो है ईसाई धर्म कबूला था और उसके बाद जो है कुछ लोगों को जा जाकर लालच देकर और बेरा फुसला कर जो है किस तरह से उनको धर्म परिवर्तन करने का काम करते थे। और आज करनाल पुलिस ने इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम करनाल के जो थाना सदर के एसएचओ हैं उनसे भी जो बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि हम आपको बता दें कि कुछ एक लोग इस तरह के जरूर हैं जो इस तरह से धर्म परिवर्तन का जो है स्पेशल तौर पर एक गलत काम जरूर चलाते हुए नजर आते हैं और जिसको लेकर जो है लोगों को बहला फुसला कर, लोगों को लालच देकर जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पहले भी इस तरह के कई मामले जो है करनाल पुलिस दर्ज कर चुकी है और ऐसे कुछ लोगों के गैंग को अरेस्ट भी कर चुकी है और आज भी जो है करनाल के थाना सदर पुलिस ने ऐसे दो लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, उनको जो है कोर्ट में पेश करने जा रहा है और थाना सदर एसएचओ से भी जो है बातचीत करेंगे और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर धर्म परिवर्तन कराने वाले एक दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पर हम आपको बताएं कि जहां उन्होंने खुद कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन कराया वहीं अब पिछले कई दिनों से कई महीनों से जो है लगातार लोगों को बहला फुसलाकर जबरन जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद करनाल के थाना सदर पुलिस को शिकायत मिली और उसके बाद दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनको जो है कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर है और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि करनाल में इस तरह के जो गैंग है काफी सक्रिय है जो किस तरह से धर्म परिवर्तन कराने का काम लगातार कर रहे हैं। इस समय थाना सदर एसएचओ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। गांव काछुआ से हमें कंप्लेंट मिली थी कि ईसाई धर्म के कुछ लोग जो पहले हिंदू होते थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, अब अन्य हिंदू लोगों को वो ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच देकर, दबाव देकर, जिस तरह से भी संभव हो वो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पृथ्वी सिंह नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान किया जा रहा है, 2 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया गया, आगे अनुसंधान जारी है। क्या बताया, मतलब गांव में अंदर खाते लोगों को दबाव बनाया जा रहा था, क्या था? जिस तरह से भी संभव हो, जिस आदमी से वो मिलते यदि वो दबाव में मानने के लिए तैयार है या वो लालच में आके करने को तैयार है, जिस तरह से भी हो, उनका मकसद था कि हिंदू धर्म के बारे में उसका माइंड वॉश करके कि कैसा है ईसाई धर्म, कैसा है, और ईसाई धर्म अपना लिया जाए। इस तरह की जो चली हुई थी उसका अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ जी, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार। हाँ, किसी भी तरह की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली यदि कोई भी बात आती है, कोई अफवाह आती है, तो उसके बारे में पुलिस को सूचित करें या अपने गांव के किसी भी सरपंच या मौजूद आदमी को बताएं, ताकि उस चीज को रोका जा सके और धार्मिक भावना को किसी को भी ठेस ना पहुंचे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो है उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और हम आपको बताएं कि किस तरह से पुलिस ने भी अपील की है कि ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहें, क्योंकि पहले भी करनाल में इस तरह के मामले कई बार देखने को मिले हैं जब करनाल के कई बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने को लेकर भी जो है देखने को मिलता है कि लोग जो है धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और किस तरह से जो इस तरह का एक रैकेट है वो करनाल में भी जो है काफी दिनों से सक्रिय जरूर था। हालांकि पहले भी इस तरह के मामले प्रदेश और देश भर में सामने देखने को मिले हैं, करनाल में भी इस तरह के लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब फिर एक बार फिर से देखा कि किस तरह से ईसाई धर्म को जबरन जो है कन्वर्ट करवाने को लेकर एक जो गांव में जो है काफी समय से काम कर रहे थे उन दोनों लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आगे भी जो है आगे कार्रवाई करेगी, कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और भी जो लोग इनमें शामिल है उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।